मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जी की मृत्यु के दशकों के बाद भी यह बहस चलती रहती है कि कौन बड़ा गायक था। दोनों ने भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी है, एक ऐसा शून्य जिसे आज भी भरा नहीं जा सकता। कोई आश्चर्य नहीं है कि उनके प्रशंसक लगातार एक दूसरे के साथ यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका हीरो बेहतर था। यह कोई रहस्य नहीं कि मोहम्मद रफ़ी एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक थे और किशोर कुमार में एक स्वाभाविक प्रतिभा थी, इसलिए रफ़ी के चाहने वालों को लगता है कि वह उन दोनों में से अधिक निपुण और कुशल थे। किशोरदा के प्रशंसकों की राय यह है कि भले ही उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया हो, लेकिन उनके पास आवाज़ की शुद्धता और शुद्ध गुणवत्ता थी। तथ्य यह है कि वह प्रशिक्षित नहीं थे और कभी भी कुछ भी गा सकते थे। दोनों शास्त्रीय और गैर शास्त्रीय गीतों में समान जादू के साथ उसे रफ़ी से अधिक श्रेष्ठ बना दिया। प्रशंसकों का दावा है कि रफ़ी कई दिग्गज संगीतकारों के लिए सबसे पसंदीदा गायक थे, जबकि किशोर कुमार को कुछ लोगों ने पसंद किया था और मुख्य रूप से देवानंद और बाद में राजेश खन्ना के लिए प्रसव गायक थे। दूसरी ओर रफ़ी ने दिलीप कुमार, देवानंद, गुरुदत्त, राजेंद्र कुमार और शमी कपूर जैसे विविध सितारों के लिए अपनी सुरीली आवाज़ को संतुलित किया। रफ़ी की महानता के समर्थन में उनके कई प्रशंसकों का कहना है कि रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए फिल्मों में गाया था जिसमें किशोर ने खुद अभिनय किया था। वे कर्ज में रफ़ी के गीत दर्द दिल की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं जो एक ही स्वर पर आधारित था और यह साबित करता है कि वह वास्तव में ईश्वर प्रद संगीत के साथ धन्य थे। मोहम्मद रफ़ी के प्रशंसकों का यह भी दावा है कि सोनू निगम और उदित नारायण जो रफ़ी स्कूल से ताल्लुक रखते हैं तकनीकी रूप से कुमार शानू और बाबुल सुप्रियो आदि से बेहतर है। दूसरी ओर किशोर कुमार के प्रशंसक लोगों को उन गीतों की याद दिलाते हैं जो उन्होंने अपनी अनुपम योडलिंग को मधुरता में शामिल करके गाए थे। वे नंबर आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। वे आगे दावा करते हैं कि 70 और 80 के दशक में उन्होंने ही कई नायकों के लिए गाने गाए थे। ये बस अंतहीन चल सकती है। हाँ, कि यह कहा जाना चाहिए कि दोनों अपने समय के महान गायक थे और प्रत्येक की अपनी विशिष्ट शैली थी। दोनों के बीच कोई अनबन नहीं थी और मोहम्मद रफ़ी के लिए किशोर कुमार के मन में जो अपार सम्मान था वह रफ़ी के अंतिम संस्कार के दौरान की फोटो में साफ देखा जा सकता है। समाचार पत्रों में एक अमुक उदास और शोकग्रस्त किशोर ने बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया है कि उसके अलावा कोई भी यह नहीं समझ पाया है कि भारतीय फिल्म संगीत में एक अपूर्ण क्षति हुई है।